ओके सो हे गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। जैसे ही गाइस आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल में, तो जो भी इस वीडियो में बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को देखने वाले जगह जाके जो है डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को जो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो उसके बाद इसको पिक्सार्ट ऐप में ओपन करना है, देन आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, एंड मॉडल को ऐड करने के बाद जो आप लोगों को कुछ इस टाइप से यहाँ पे फुल स्क्रीन करके इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर रिजल्ट रूम में चले जाना है, ताकि जो मतलब नीचे आपको दिख रहा होगा एक नीचे ब्लैंकेट, उसके नीचे आपका जो है पैर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो हम इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेंगे और जो रिजर का हार्डनेस है वो रख लेंगे 90 तक, एंड ऐसे फोटो को जूम करके जो है हल्का हल्का इसको रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली फोटो को डन करना है, और इसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करना है, एंड इसको जो है आपको फुल स्क्रीन करके मूव डाउन कर देना है। जब गाइस आप लोग बैकग्राउंड को ऐड कर लोगे, तो उसके बाद आप सभी रिजल्ट रूम में जाकर इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश के साथ अपने अकॉर्डिंग रख के ओपेसिटी हार्डनेस कम कर लेना है। फोटो को जूम करना है, फोटो को जूम करने के बाद जो आप सभी कुछ इस टाइप से पेंट करना है, मतलब यानी कि शेडो क्रिएट करनी है, एंड इस तरीके से आपको हल्के हल्के यहाँ पे पेंट करना है, ज़्यादा ओपेसिटी नहीं रखना है। और अगर शैडो वगैरह वगैरह ज़्यादा हार्ड हो भी जाती है, तो आप लोग जो उसकी ओपेसिटी बाद में भी कम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ओपेसिटी कम करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से शैडो बन रही है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ओपेसिटी कम करके एक यही फायदा होता है। तो अभी हम इसको फटाफट करते हैं एंड थोड़ा हेड के पास भी बना लेते हैं, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे देखिएगा एकदम रियलिस्टिक तरीके से हमारी जो शैडो एकदम बन चुकी है, एकदम रियल लग रहा है यहाँ पे मॉडल। तो अभी जो है फिलहाल के लिए हम फोटो को डन करते हैं, एंड उसके बाद ऐड फोटो में दोबारा से जाएंगे। ऐड फोटो में दोबारा से जाने के बाद आप सभी को डॉलर का पीएनजी लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली इसको नीचे के साइड में इस तरीके से ले जाना है, और जो है इसकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट रखनी करनी है इसमें। तो थोड़ा एडजस्ट में जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस जो हम कम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस आप देख सकते हो बाकी के जो डॉलर हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। तो बाकी इसके हम डुप्लीकेट करेंगे, एंड दो तीन जगहों पे जो है रोटेट कर करके हम इसको लगाएंगे। जैसे गाइस एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे, और एक डुप्लीकेट और कर लेंगे, और इसको एक यहाँ पे लगा लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने इतना कर दिया है। इतना हो जाने के बाद आप लोग देख लेना, चार पाँच जगह अपने हिसाब से आप लगा लेना, ठीक है। तो मैं एक जगह और लगा लेता हूँ यहाँ पे पैरों के पास, तब इतना परफेक्ट है। अब गाइस देखिए यहाँ तक हमारा काम हो चुका था, फोटो का हम यहाँ पर डन कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली अपनी वीडियो फोटो को जो यहाँ पे सेव कर लेना है, एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम में, क्योंकि वहाँ पे ही जो है रीटच करके हम फोटो को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है डायरेक्ट से कलर रेडी पहले यहाँ पे लाइट को करेक्ट करते हैं। लाइट को कलर करेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को बढ़ा देंगे, एंड शेडो जो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, ब्लैक्स को यहाँ पे हम कम कर देंगे। एंड कलर्स में जाने के बाद इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, एंड जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, लूमिनस इसको हम बढ़ा देंगे, और लेंगे येलो कलर, इसका ह्यू जो है माइनस कर देंगे, एंड ब्लू कलर लेंगे, इसका जो है लूमिनस कम करेंगे पहले, एंड सैचुरेशन भी थोड़ा कम कर देंगे। फिर यहाँ से फोटो को हम डन करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ से चलेंगे इफेक्ट वाले टूल में, यहाँ पे हम पहले जो इसकी क्लियरिटी को इंक्रीज करेंगे, एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे विग्नेट डाल देंगे अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे जो है मतलब कि क्लियरिटी थोड़ा कम कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो फीदर को बिल्कुल इंक्रीज कर देंगे। फिर नीचे वाले टूल में जाएंगे, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे, एंड फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि तो एच डी क्वालिटी में फोटो एडिट हुई है। तो आई होप कि यार आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, एंड बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।